हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्रणाम प्रभु है, प्रणाम। सेशन लाइव हो गया हो तो एक बारी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता दीजिएगा कि यस मैम इट्स लाइव नाउ। हो गया है, थैंक यू सो मच। अरे आज लगता है इसको सर्दी लग गई है क्या, इतनी देर में जाके हुआ है लाइव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। चलिए तो आइए जरा आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज का जो अपना क्लास है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे जनवरी का करेंट अफेयर्स का रिविजन, ठीक है। ऑल राइट, आ जाओ। तो उम्मीद करेंगे कि सब लोग अपना जनवरी का रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ रीजंस की वजह से अगर आप रेगुलर क्लास में नहीं आ पाते हो, तो ये सेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। संडे का दिन है, एक ही सेशन रहेगा, सो दैट आप शाम के टाइम पे भी समय निकाल के इसका रिविजन जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की आपको A4 शीट पे PDF मिलेगी। अगर आप उसका प्रिंटआउट निकलवाना चाहते हैं तो आराम से 2-3 पन्नों में आपका प्रिंटआउट निकल आएगा, आगे पीछे करा के 2 पेजेस में प्रिंटआउट निकल आएगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी PDF? टेलीग्राम पे मिलेगी, करंट अफेयर्स बाय कृति पे आप चले जाइएगा, वहां पे जाके आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, कशिश, गौरव, अक्षय, शर्मिली 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 भूला, आगमन, गौरव, कृष्णा, मोहित, अंजना, आकांक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय जगन्नाथ। हाँ ट्राइबल भैया, क्या हुआ? आनंद, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो बिना समय को वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन द सेशन। आज तो अनुभव भैया भी आने वाले हैं घर पे, तो जल्दी जल्दी पढ़ लें इससे पहले कि वो दरवाजे पे खड़े हों और हम क्लास ले रहे हों, है ना। चलिए तो आइए आगाज करेंगे। पहला सवाल आपके सामने आता हुआ जनवरी के कंपाइलेशन का, और रेगुलर हो जाइए क्लासेस के साथ में सुबह 7 बजे। ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन कम से अब बताइए। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने G-SAT-20 सैटेलाइट इन 2024। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। सभी ममाज बॉय, सभी पापाज पौड़ी को है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे कहाँ हैं? महोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं क्या? तो सुबह नहीं हो रही है उनकी। इसरो, इसरो, सोहम, केरी, आशिना, कनिका, राजेश, राजन, बंटी, खै, गिरीश, नहीं नहीं ब्लॉक नहीं हो गिरीश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसरो यहाँ पे इसको लॉन्च करेगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला बताइए, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने अपने यहाँ पे शेंगेन वीजा को लॉन्च किया है, ये वो वीजा है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप यूरोप के अंदर जितने भी यूरोपियन नेशंस की कंट्री हैं उनके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। वीजा एक ही लगेगा लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस। अगला, कहा जा रहा है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है इसको अभी हाल ही में कौन से राज्य में लॉन्च किया गया। पहली चीज तो इनके नाम से आप देखेंगे तो आपको एक नेशनल पार्क या कह दीजिए टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, कहाँ? MP के अंदर। और इन्हीं के नाम पे आप देखेंगे तो जितने भी ऐसे किसान हैं जो मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं उन्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? MP के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला, एनुअल बर्ड सेंसस अभी हाल ही में उड़ीसा के अंदर कंडक्ट किया गया, आपको बताना है कि उड़ीसा में कहां पर इसका आयोजन किया गया। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल, चिल्का लेक पे इसका आयोजन किया गया। अभी आगे आप देखोगे तो एक और आपको फेस्टिवल देखने को मिलेगा, दैट इज चिल्का फेस्टिवल, वो भी अभी आगे आपको मिलेगा। अगले सवाल पे आइएगा, याद देख रहे हैं चिल्का फेस्टिवल की फोटो। अगला, कहा जा रहा है कि पोजीशन एज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल पासपोर्ट पूछा है, हेल्ने पासपोर्ट नहीं पूछा है, सवाल को देखकर आंसर करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? UAE का जो पासपोर्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। UAE अपने यहाँ पे क्या करता है? गोल्डन वीजा देता है, और ये जो गोल्डन वीजा होता है इसका इस्तेमाल करके आप 10 सालों तक के लिए वहां पर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, आपको बार बार वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वे बताइए, कहा जा रहे हैं इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में भारत की तरफ से
कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनको नॉमिनेट किया गया। अभी आपने देखा जब हम वेटलैंड कह रहे हैं तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे था, और साथ ही साथ में टोटल कितनी साइट्स हो चुकी हैं, टोटल 80 साइट हो चुकी हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर, ये वो शहर हैं जिनको भी हाल ही में शामिल किया गया। अगला, बीच गेम पहली बार खेले गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई चीज अगर पहली बार कंडक्ट हुई है तो सवाल बनेगा। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, दीव के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसका मैस्कॉट क्या था, इसका मैस्कॉट क्या था, पर्ल। पर्ल क्या थी, डॉल्फिन। क्या थी, डॉल्फिन आपको यहाँ पे एज अ मैस्कॉट देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए 2023 कैम्बेम्पू अवार्ड जो है ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, कर्नाटका के द्वारा दिया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नहीं, आवाज तो नहीं आ रही तुम लोगों को, आ रही हो तो थोड़ा सा बस ऐसे बोल लीजिएगा जय श्री राधे। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा श्री शेंदु मुख्योपाध्याय। अगले पे आइए, बताइए कहा जा रहा है कि इंडिया की पेट्रो कैपिटल अभी हाल ही में किसको बनाया गया है। पेट्रो कैपिटल, यति, तृप्ति, सुदीप्ता, ऋषभ। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड आर विशाल कैसन। इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात को अभी हाल ही में बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर इसका जो प्रोडक्शन होता है वो आपको सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे आइए, बताइए डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे। यहाँ पे अनीश दयाल सिंह जी का अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन इसी के साथ में एक और नाम याद रखिएगा, CISF। ठीक है, क्या है CISF, इसकी हेड कौन बनी है, तो पहली बार किसी महिला की नियुक्ति की गई है जिनका नाम क्या है, मीना सिंह। ये नाम आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, आपको बताना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये कहाँ, अयोध्या धाम। तो इसका आंसर क्या होगा, अयोध्या के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी देर में गुड मॉर्निंग क्यों हो रहा है यार, तुम लोग के महोत्सव की तैयारी व्यारी चल रही है क्या, पेपर के महोत्सव की तैयारी करो, बाकी महोत्सव तो जीवन में आते जाते रहते हैं, कोई नहीं पूछता अगर सिलेक्शन ना हुआ हो तो, सच बता रहे कोई नहीं पूछेगा, फिर चाहे तुमने कितना भी महंगा गिफ्ट क्यों ना दिया हो, है ना, थोड़ा बच के रहो इन सब चीजों से, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन दुनिया में भरे हुए हैं। 16 फाइनेंस कमीशन बताएं, प्रिया, सुरजीत, मोनिया दीदी। ना भाई, हम तो कभी भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहे और अब क्या ही रहेंगे। इसका आंसर क्या होगा, अरविंद पंगरिया जी को अभी हाल ही में इसके हेड के रूप में अपॉइंट किया गया। हमेशा याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो आपको 5 सालों का देखने को मिलेगा। अगला, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जिन्होंने अभी हाल ही में बोला था कि मैं ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनूंगा, ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 में किसने की है, रशिया ने की है, और इसके अंदर 5 मेंबर पहले से थे और 5 मेंबर और जुड़ गए, जैसे कि इजिप्ट देखोगे या ये सभी देश उसके अंदर अभी मेंबर बने, बट कौन नहीं बना है, अर्जेंटीना नहीं बना। ये बात किसने बोली, जेबियन मेली ने बोली कि मैं इसका मेंबर नहीं बन रहा, पता नहीं क्या हो गया इनको, खैर कोई बात नहीं। अगला ये जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया UAE राजस्थान के अंदर, कल जब आप क्लास में आओगे कल भी हम एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जी, बताएं इंडिया UAE लिखा है, फ्रांस नहीं लिखा है, ध्यान से आंसर करना। आशा, यो, शोक, ओके, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेजर्ट साइक्लोन, बिल्कुल सही जवाब, डेजर्ट साइक्लोन, राइट। अगले पे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कार्बी यूथ फेस्टिवल का अभी हाल ही में किया गया है 17 जनवरी को, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, असम के अंदर, और ये किसने स्टार्ट किया, तो हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगले पे आइए, DRDO का अभी हाल ही में 66 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, तो इसका आयोजन कब होगा, 1 जनवरी 2024 को DRDO का फाउंडेशन डे जो है वो मनाया गया। 12th दिव्य कला मेला 2023 कहां पर शुरू किया गया, ये दिव्य कला मेला है, यानी कि किसके लिए है, दिव्यांग जन के लिए इसका आयोजन किया गया था,
किस जगह पर हुआ था? तो सूरत के अंदर इसका आयोजन किया गया, सूरत मतलब गुजरात के अंदर इसका आयोजन हुआ। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि वो स्टेट स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करेगी हर साल, आपको बताना है कि कौन सी तारीख को। तो ये तारीख कौन सी होगी? 15th of January। ये किसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा? तो केडी जाधव जी का हैप्पी वाला बर्थडे होगा। ये है कौन? तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता था, ठीक है ना, ओलंपिक में पहली बार मेडल जीता था, इनके ही नाम पे इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, मिशन USSF-52, आपको बताना है कि इसको किसने लॉन्च किया है, जिसके अंदर स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम क्या है, X-37B। अच्छा, यूएस जो है उसने एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया है, ये जो सीरिया वाली जो लोकेशन है ना, जहाँ पे ISIS के जो ग्रुप हैं वहाँ पे इन्होंने अपना बॉम्बर जो है उसको भेज के वहाँ पे एयर स्ट्राइक वगैरह भी कर रहे हैं। कुछ यहाँ से रिलेवेंट निकलेगा एग्जाम के लिए तो बात करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? SpaceX होगा, बोइंग नहीं होगा, बोइंग नहीं होगा, SpaceX होगा, इसीलिए कहा था पढ़ के आइयो, ठीक है। अगला देखिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व कहाँ पे डिस्कवर किया गया, कहाँ पे डिस्कवर किया गया है बताइए। क्या हो गया, तुमने क्या कर लिया, तुमने NDA का बैच खरीद लिया, तैयारी तुम्हें SSC की करनी थी। अरे ऐसे कैसे तुमने खरीद लिया बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया था जब तुम बैच को अवेल कर रहे थे, ऐसे काम करते हो यार, अब बताओ इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। साल्टन सी कहाँ पे, साल्टन सी US के अंदर अभी इसके जो रिजर्व्स हैं वो पाए गए, ठीक है। अगला बताइएगा सवाल, बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेट टू फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन बॉर्न क्वीन, जिनको अभी हाल ही में डेनमार्क के अंदर क्वीन के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि डेनमार्क की जो क्वीन थी उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। भाई साहब और कितने साल तक काम करेंगी, पद तो छोड़ेंगी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है क्राउन प्रिंसेस मैरी। अगले पे आइए, इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू मैप एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज को मैप पे दिखाने का काम अभी हाल ही में भारत के अंदर कौन से राज्य ने किया है। मैंने आपको एक और पॉइंट भी पढ़ाया था, कल शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने तो बोला है कि ये हमारे पर्सनल रीजंस हैं, बट आप खुद ही समझ सकते हैं कि वहां पे कौन सी पार्टी है, सेंटर में कौन सी पार्टी है, तो क्लैशेस तो देखो होते रहते हैं, है ना। अब मुद्दा यहाँ तक पहुंच गया है कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। अभी जिस हिसाब से उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में बोला है कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग, है ना, मतलब जो ऐसा काम वहां पे चल रहा है उस काम से उनका कोई सेटिस्फैक्शन था नहीं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, अपना इस्तीफा दिया है। अब देखना यह है कि भैया आगे क्या ही होता है, तुम तो ये सोचो कि तुम्हारे लिए कितना कॉन्टेंट बढ़ जाता है, बेवजह बढ़ गया बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा पंजाब, ठीक है। अगला, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड अभी हाल ही में किसको दिया गया, ये अवार्ड जो है आप सभी लोग जानते हैं साइंस के फील्ड में दिया जाता है, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आर कंबोजी को ये अवार्ड दिया गया। हाँ नीतू दीदी जी जी। अगला, यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना, ये विश्वकर्मा योजना 17th of September 2023 को लॉन्च की जाती है, आपको बताना है किसने अपने यहाँ पे लागू की, जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू होता है। कल जब आप करंट के क्लास में आओगे तो कल हम लोग पुडुचेरी का जीके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये पिंकी को अपॉइंट किया गया है। अभी ये वाली जो योजना है इसके अंदर साक्षी मलिक, कौन, साक्षी मलिक जो है ये ऑलरेडी आपको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखने को मिलेंगे। अगला, फर्स्ट वेमेन जिन्होंने अभी हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर अध्यक्षता शुरू की है, आपको बताना है कि इनका नाम क्या है, तो ये कौन हो जाएंगी, नादिया कैल्विनो, इनका अपॉइंटमेंट किया गया। किर्गिस्तान ने अपना नेशनल सिंबल किसे बनाया है बताएं। सब पॉलिटिकल चीजें हैं वो, उससे देखो अपना कोई लेना देना नहीं है, है ना, हमारे एग्जाम में पॉलिटिकल चीजें थोड़ी ना पूछी जाती हैं, अपने पेपर में पॉलिटी पूछी जाती है। अब रिजिग्नेशन आया है तो भाई उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्नो लेपर्ड इज द राइट आंसर।
अगला, श्रीलंका ने अभी हाल ही में इनमें से कौन से देश के ऊपर प्रतिबंध लगाया और बोला कि देखो तुम्हारा जहाज दिख ना जाए, ठीक है ना, बोला दिख ना जाए या दूर दूर तक ना दिख जाए, तो ये किसके लिए बोला गया है? चाइना के लिए बोला गया है। इंडिया ना मार्क कर देना तुम, है ना। हाँ चलिए, वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? जो बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में आ जाए हैं और आके पूछ रहे हैं कि मैम इसको पढ़ने से यूपीएससी हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन बेटा रोज करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके यूपीएससी के लिए भी जितनी भी वेबसाइट्स हैं मैं कंटेंट वहां से भी लेकर आती हूँ, ओके, तो आपको इसके लिए रोज क्लास में आना पड़ेगा, तो कल से आ जाइए सुबह सुबह क्लास में, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। दुनिया में कोई चीज ऐसी है जो ना हो सके? हाँ, टाइम का थोड़ा अभाव होता है तो चीजें नहीं हो पाती हैं। इंडियन से नेशनल पार्क नामीबिया चीता अभी हाल ही में 3 बर्थ दी हैं, क्या नाम था उसका? ज्वाला। क्या नाम है? ज्वाला। और ये कहाँ पे? कुनो नेशनल पार्क। किस जगह पर? कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, एमपी। अगला, चीफ गेस्ट 10th एडिशन वाइब्रेंट गुजरात किसको अपॉइंट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट, मतलब कौन आए थे भारत के अंदर? तो ये कौन आए थे? पीटर फैला को इस बार बुलाया गया था। अगर पूछा जाए वाइब्रेंट गुजरात कहाँ पर हुई थी, तो ऑब्वियस ही बात है गुजरात के अंदर आई थी। फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं तो कल से आगे भी चलते रहिए। अगला, वाई भारत मैटर्स, ये किताब अभी हाल ही में एस जय शंकर जी की थी जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखिएगा, गुजरात के अंदर अभी हाल ही में बोला गया है कि सबमरीन टूरिज्म की शुरुआत की जाएगी, कहाँ पे? द्वारका के अंदर, ठीक है। अंडर वाटर टूरिज्म स्टार्ट होगा भारत में, कहाँ? द्वारका के अंदर सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आइए, अगला नाम है फेलिक्स, इनको भी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, कहाँ पे? कांगो के। नेक्स्ट पे आइए, बताइए माउंट लीबो टोबी लाकी लाकी कहाँ पर है? जिन भी बच्चों को प्रीवियस करेंट अफेयर्स देखना है आप टेलीग्राम पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए, 30 दिसंबर को मैंने पूरे साल का करेंट अफेयर्स पढ़ाया है, जाके देख लीजिए। बाकी जनवरी आज पढ़ा रहे हैं और कल से रेगुलर हो जाइए, वरना फिर फरवरी एंड होगा फिर आके तुम्हारा यही सवाल होगा, तो फायदा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है? मनीला के अंदर, फिलीपींस में आपको ये देखने को मिलेगा। आपको बताना है इसके अध्यक्ष, हाँ लॉकी लॉकी, इसका आंसर क्या होगा? विकासशील जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया। अगला, एडिडास का एक आउटलेट खोला जाएगा भारत के अंदर चाइना के अलावा, अब इसका आउटलेट यहाँ पे भी ओपन होगा। आपको बताना है कि ये किस जगह पर ओपन किया जाएगा, तो ये चेन्नई में तमिलनाडु में ओपन किया जाएगा। अगर हम एडिडास की बात करें तो एडिडास जो है ये कंपनी कहाँ की है? दिस इज ऑफ जर्मनी, कहाँ की है? जर्मनी की है। बताइए अगले पे आइए, 19th नाम मैम लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न मिलेगा? हाँ मिलेगा बेटा, कल पढ़ेंगे ना जी। बताएं, युगांडा, बिल्कुल सही जवाब है, युगांडा के अंदर। अगला देखिएगा, इंडिया ने शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट विन अभी हाल ही में किया था, आपको बताना है कौन सी कंट्री के अगेंस्ट, कौन सी कंट्री के अगेंस्ट? करेक्ट, फाउंडिंग मेंबर, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। देखो रोज पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आएंगे, कभी कभी क्लास करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, फिर मेरी गलती ना है। अगला देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कल के क्लास में आएंगे तो अभिनव बिंद्रा से जुड़ी हुई एक न्यूज आपको पढ़ने को मिलेगी। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? रघुराम अय्यर जी। कौन है? रघुराम अय्यर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस महाराष्ट्र के अंदर पहली बार किसी महिला की नियुक्ति हुई है? रश्मि शुक्ला जी। क्या नाम है? रश्मि शुक्ला जी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। अगला, ओबजोन 3 ये मिशन किसका मिशन है? ओबजोन 3 ये मिशन किसका मिशन है? बताएं। ऑलराइट, इसका आंसर क्या होगा? स्पेसएक्स का ये मिशन आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट। अगला देखिएगा, 5th टर्म ऑफ द पीएम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे 5वीं बार किसको
पीएम के रूप में चुना गया है, तो एक बार फिर से आपको शेख हसीना जी देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेम नाम है, कुछ भी नहीं बदला यहाँ पे। अगला, पृथ्वी विज्ञान स्कीम 2024 को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि ये योजना कौन से मतलब मिनिस्ट्री के अंदर में लॉन्च की गई है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अगला, जीआई टैग, कहा जा रहा है जैगरी, पेंटिंग और शॉल, इन तीनों को अभी हाल ही में किसी एक राज्य के अंदर जीआई टैग से नवाजा गया। आपको बताना है कि ये जीआई टैग किस चीज को दिया गया है, तो वो तो पता है बट किसको दिया गया है, तो ये ओडिशा को। हाँ, वेस्ट बंगाल वालों, ना ना ना, वेस्ट बंगाल के शहद को जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ हनी लिखा दिखाई दे रहा है, हाँ? Tell me something, something. Hello, honey, bunny. वही वाला हनी तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है, नहीं समझ सकते हैं, तुम्हारा महोत्सव भी शुरू हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, वीर गाथा बताएं, वीर गाथा, ये कॉम्पिटिशन हुआ था। ये करेंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे से लेके यूपीएससी तक बेटा करेंट अफेयर्स कहीं नहीं बदलता, ठीक, कहीं नहीं बदलता। कंडीशन अप्लाइड है, रोज पढ़ने वाले होते हैं, कुछ महीने में एक बार पढ़ने वाले होते हैं और कुछ एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने वाले होते हैं। सिलेक्शन किसका होता है, जो रोज वाले होते हैं, ठीक है। चलिए बताएं कब हुआ था, अरे रिपब्लिक डे पे हुआ था, और कब हुआ था, अच्छा इस बार के रिपब्लिक डे की बात करोगे 26 जनवरी, गेस्ट कौन थे, इनामल मैक्रोन इस बार गेस्ट के रूप में आपको देखने को मिले। अगला, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, तुम्हारा बर्थडे, चलिए इसका राइट आंसर क्या है, गोवा, क्या बनेगा, गोवा के अंदर अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। अगला, सुचिता सतीश, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 140 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया। सवाल में कहा जा रहा है कहाँ पर, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो केरला से ये बिलोंग करती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूएई होगा। इसके नोट्स नहीं बनाने, इसकी पीडीएफ देंगे। एक तो क्लास में तुम लोग सुबह सुबह टाइम पे ज्वाइन नहीं करते हो, फिर बेकार की बातें पूछते हो, क्लास की शुरुआत में ही बता दिया था, फिर क्यों पूछ रहे हो। चले, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये अवार्ड अभी हाल ही में इस मूवी को सबसे ज्यादा दिए गए हैं, जिसका नाम क्या है, ओपेनहाइमर, ठीक है। सबसे ज्यादा अवार्ड इसी मूवी को मिले थे, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, बट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, एल बारो, ये एक चक्रवात आया था, इसने भी कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया, तो ये भी आपके लिए ओके ओके टाइप का न्यूज है, बट ये पेपर में आने के चांसेस है नहीं, ठीक है। कहाँ आया था, मेडागास्कर के अंदर आया। चलिए आगे बताइए, बिम्सटेक जनरल सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, बिम्सटेक, जिसे देख रहा हूँ कंटिन्यू, ओके प्रदीप कुमार, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इंद्रमणि पांडे जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया। अगला देखिएगा, एमओयू किया गया है स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए, किसने किया है, तो ये किया है इंडिया और मॉरिशियस रिसर्च ने अभी हाल ही में, इन दोनों ने क्या किया है, टाइप किया है। मैंने आपको पढ़ाया था कि इसरो ने मॉरिशियस के अंदर एक सेंटर भी बनाया है, काफी टाइम पहले सेंटर भी बनाया था, और अब वहीं से क्या होगा, नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। अगला, फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल कहाँ पे हुई, इनलैंड पूछा है। एक तो अगर आप देखोगे तो अंडर वाटर आपको क्या मिलेगा, एक सी ब्रिज देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अटल सेतु। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मुंबई के अंदर मिलता है, ठीक है। आपको ये बताना है ये कहाँ होगा, कोलकाता, कहाँ पे, कोलकाता। अगला, आदि केरी कार्पेट और वांगचू वुडन क्राफ्ट, इन दोनों को मिला है जीआई टैग, आपको बताना है कहाँ पर। ये नहीं भी पता तो वांचू और आदि ये दोनों कहाँ मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में 12 और चीजें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाएंगे, 9th of January को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये वो दिन है जब महात्मा गांधी जी भारत वापस आते हैं, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अगला, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, सिर्फ हिंदी दिवस नहीं है, विश्व हिंदी दिवस है, तो ये कब होगा, ये होगा 10th of January। अगर नेशनल लेवल पर पूछा जाए हिंदी दिवस, हिंदी दिवस नेशनल लेवल पर अगर पूछा जाएगा तो ये 14th of September होगा।
ठीक, आज तारीख कौन सी है? 4 तारीख है, आज है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हिस्टोरिक लूनर मिशन किसका? पेरेग्राइन वन, आपको बताना है किसका मिशन है ये, बताएं। इसका आंसर क्या होगा? ये यूएस का मिशन है। आने वाले टाइम में इस मिशन को क्या किया जाएगा? लैंड कराया जाएगा। कहाँ पे? चंदा मामा पे। अगला सवाल बताइए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की जो बैठक होगी तो इसे हेड कौन करेगा? हाँ बिल्कुल, अवेयरनेस के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा इंडिया इसको हेड करेगा। अगला, ग्रीन फ्यूल अलायंस, इंडिया ने अभी हाल ही में इसमें से किसके साथ में साइन किया है और आयोजन हो रहा था GIM 2024 का, आपको बताना है कि किसके साथ में टाइप किया गया है। तो ये टाइप किसके साथ में हुआ है? डेनमार्क के साथ में ये टाइप किया गया। ठीक है, अगले पे आइएगा। डीसैलिनेशन प्रोग्राम लक्षद्वीप के अंदर किसके द्वारा चलाया जाएगा? इस बार के बजट में भी आपने सुना कि लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए काफी सारे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, उसको पूरी तरीके से कॉमर्शलाइज किया जाएगा। अभी तक वो कॉमर्शलाइज नहीं था, लेकिन अब क्या होगा? वो कॉमर्शलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इजराइल यहाँ पे अब डीसैलिनेशन प्रोसेस चलाएगा। अभी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से, प्रेसिडेंट नहीं लिखा है, पीएम लिखा है, और वो भी फ्रांस के यंगेस्ट एवर गे प्रेसिडेंट, नहीं पीएम। ध्यान से, प्रेसिडेंट नहीं, पीएम लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? गैब्रियल एटल। और ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे यहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक है, इस बार छठी बार आपको ये देखने को मिले कहाँ? इंडिया के अंदर एज अ चीफ गेस्ट। अगला, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? ये कहाँ होगा? फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट पे आइएगा, योगश्री योजना कहाँ पे लॉन्च की गई? ये जो योगश्री योजना है ये किसके लिए आई है? ये यूथ के लिए लॉन्च की गई है, आपको बताना है कहाँ पर आई थी। तो ये कहाँ आएगी? वेस्ट बंगाल के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला, प्रसादम, जिसमें क्या होगा कि जो स्ट्रीट फूड होता है उसे हम और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए प्रसादम को अभी हाल ही में भारत में एक ही जगह पर लॉन्च किया गया। आने वाले टाइम में और जगहों पर भी लॉन्च होगा, बट पहली जगह कहाँ पर आपको देखने को मिले? तो जहां पर प्रसाद मिलेगा वहां पर लॉन्च होगा। एमपी के अंदर उज्जैन में महाकाल की नगरी, यहाँ पर आपको ही मिलेगा। ठीक है, अगला बताइए, डीआरडीओ फॉर दी इंडियन आर्मी अभी हाल ही में एक असॉल्ट राइफल लॉन्च की गई है, आपको उसका नाम बताना। एके आया क्लास में? AK-47 का AK-203 बन नहीं पा रहा है। बिट्टू, निकिता, सनम, प्रिया, करेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? उग्रम। क्या हो जाएगा? उग्रम। नेक्स्ट में आइएगा, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2023 इसका टाइटल किसको दिया गया है? तो इसका टाइटल गया है चांगी एयरपोर्ट, कहाँ है? सिंगापुर के अंदर आपको ये मिलेगा। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आपको दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, आर रोहित भैया कैसन, अगला देखिएगा। घराना आपको बताना है उस्ताद राशिद खान जी का, बताएं। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आंसर करें, कैसे रोज क्लास करें, ये कैसे लाएं? अरे दादा बेटा, ये कोई मार्केट से खरीदने की चीज थोड़ी ना है कि कैसे लाएं। कुछ नहीं करना है दिमाग में, बस आपको एक चीज को बैठा के रखना है कि अगर 2024 खत्म हो गया और नौकरी नहीं लगी, है ना, 2024 खत्म हो गया और अगर नौकरी नहीं लगी तो बाहर का तो छोड़ो, माँ बाप भी बेटा तुम्हें पूछना छोड़ देंगे। बस दिमाग में ये रख लो, लाइफ में हर कोई जो है वो मोटिवेशन ढूंढने को बाहर निकलता है, हाँ, लेकिन सच्चाई यही है कि घर के अंदर ही बेटा इतना कलेश हो चुका होता है, अगर सिलेक्शन ना हो तो घर के अंदर से ही मोटिवेशन आता है ना। तो इसको लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने दिमाग को ये चीज समझाने की जरूरत है कि अगर 2024 खत्म हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2025 के बाद से नंबर ऑफ वैकेंसीज और कम होती जाएंगी, और वैकेंसीज आती भी है कि लंबे टाइम तक नहीं आएंगी, क्योंकि देखो 24 में तो चुनाव है तो इलेक्शन टाइम पे आप जानते हैं वैकेंसीज आती हैं। तो ये आपको समझाना है अपने दिमाग को, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना कोई दूसरा एजुकेटर कुछ कर सकता है, इट्स ओनली यू। ठीक है, इट्स ओनली यू। वो देखो वो परेशान है, शादी करा देंगे बात तो सही है, चलो आओ फिलहाल तो।
तो इसका आंसर क्या होगा, रामपुर घराना। अगला, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अभी सी ड्रैगन 24 एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है गुआम आइलैंड पर, और इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, क्लास का टाइम चेंज हो गया, अरे हमें तो पता ही नहीं था। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, बताइए ये रिपोर्ट किसने जारी की। क्लास का समय कुछ नहीं बदला है, क्लास का समय ये था और यही है, और जब तक हम पढ़ा रहे हैं तब तक यही रहेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये तो आने ही आना है। नंबर वन पे 5 देश है, आपको इंडिया बताना है। इसका आंसर क्या होगा, इंडिया वही पुरानी रैंकिंग है, 80 नंबर पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे आइएगा, दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन, आपको बताना है कि इसको कौन डेवलप करेगा, इसको कौन डेवलप करेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अदानी एंड एल्बर्ट सिस्टम जो है वो इसको मिलकर क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। अगला देखिएगा, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जिसने अभी हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सीज को लॉन्च किया है, आपको बताना है कि किसने इसको लॉन्च किया है अपने यहाँ पर, तो ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, विंग इंडिया इवेंट कहाँ पर हुआ, इम्पोर्टेंट विंग इंडिया क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद के अंदर बेगमबेट एयरपोर्ट जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। अगला, ऑल इंडिया नाइट परफॉर्मेंस यश गंग मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जीके के पर्सपेक्टिव पे पूछा जा सकता है कि ये मेला कहाँ पर आयोजित होता है। ये मेला पूरी रात भर चलता है, इसमें स्पीकर्स का इस्तेमाल होता था जिसकी वजह से इसको प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब ये स्टार्ट हो चुका है, कहाँ, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो ये भाई मनाया जाता है 12 जनवरी को, किसको डेडिकेटेड है, स्वामी विवेकानंद जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, अच्छा देख रहे हो, सबसे ओल्डेस्ट स्लॉट बियर जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, इसका नाम बता दो बस, क्या था इसका नाम बताओ। Tell me the name. बबलू, अरे याद था तुम्हें नाम, बबलू, क्या नाम है इसका, बबलू। ठीक है, अभी हाल ही में इसकी डेथ हुई है, इतना गंदा सा मुंह बना के बबलू काय बोल रहे हो, भालू कहते हैं इसको, हमें नहीं पता था इसका नाम भालू है। चलो बताओ अगला, पीएम मोदी सेट विच ब्रिज 12 जनवरी को, ब्रिज का नाम आपको बताना है। शादी में जाना है, हाँ यार जाना तो है। चले इसका राइट आंसर क्या होगा, अटल सेतु, मेरा कोई भरोसा नहीं है यार। मेरा को थोड़ा इंटरेस्ट कम है इन्हीं सब चीजों में, पार्टीज वार्टीज हम बहुत रेयर केस में जाते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज आपको इसका आंसर बताना है कि मोस्ट पॉल्यूटेड है, मुझे पॉपुलेशन दिखाई दे रही थी। हाँ जी बताए, सामने दीदी चाय पे नहीं बुलाया तुमने अभी तक हमें, हैं, गलत बात है ये। इसका आंसर क्या होगा, बरिनीहाल इसका करेक्ट आंसर, ये आपको कहाँ मिलेगा, मेघालय के अंदर मिलेगा। और अगर आप देखें सबसे स्वच्छ अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इंदौर, और सूरज जो है वो आपको सबसे स्वच्छ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएगा, शेरिंग चौकबे, आपको बताना है इनका सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर इनको एज अ पीएम अपॉइंट किया गया। नहीं मैं मतलब पहले भी हम बहुत कम ही पार्टीज वार्टीज में जाते थे, और आज भी वही है। ठीक है, चलिए बताइए, एक नया कैनिड इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ बनाया जाएगा, मतलब जैसे जंगली कुत्ते होते हैं या जेकॉल्स होते हैं, भेड़िए होते हैं, इन सब के लिए आपको बताना है कहाँ पर इसको बनाएंगे, तो इसको महाराष्ट्र के अंदर डेवलप किया जाएगा। अगला, रामलला दर्शन योजना, अभी हाल ही में किसने इसको लॉन्च किया है, अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो 22 जनवरी को हुआ था अयोध्या के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये योजना किसने लॉन्च की, जिसके अंदर क्या होगा, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए भेजा जाएगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। चंडीगढ़ ने, छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया। ओके, आकाश मिसाइल का
नया वर्जन ओडिशा के अंदर अभी टेस्ट फायर किया गया। आपको बताना है किसने टेस्ट फायर किया। अभी नया वाला वर्जन है तो इसकी जो रेंज है वो भी तो नई होगी, 70 से लेके 80, बताएं। DRDO, ऑल राइट, DRDO। अगला, एशियन विंटर गेम्स 2025 का स्लोगन क्या दिया गया है? बिन बिन नी नी, कुछ याद आ रहा है? मैस्कॉट का नाम क्या था? निन्नी, जैसे तुम लोग कहते निन्नी, वैसे थी वो निन्नी। इस कारण से क्या हो जाएगा? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, कहां होंगे? चाइना के अंदर इनका आयोजन किया जाएगा। ऑलराइट, अब देखो 19 से लेकर 27 फरवरी के बीच में मिलान एक्सरसाइज होगी, कहां? विशाखापट्टनम के अंदर। अगला बताएगा आइंस्टीन प्रो, आइंस्टीन प्रो कौन सी कंट्री का होगा? ये तो ये हो जाएगा किसका? चाइना का। ये चाइना अपना एक मिशन लॉन्च करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइएगा, इंडिया एंड जापानीज कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज, क्या नाम इसका रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा सहयोग काजन, इस नाम से एक्सरसाइज को भी हाल ही में कंडक्ट किया गया है। इंडियन आर्मी डे ये कब था? तो ये दिन आपने देखा था 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था। अगला, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया, इसका आंसर क्या होगा? माइकल पात्राज। अगला, गेंगरीडू मेलम ट्रेडिशनल अभी हाल ही में कहाँ पे परफॉर्म किया गया है? अभी जब ये मकर संक्रांति आई थी ना, उस टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल से, इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अगला, कहा जा रहा है कि जॉबलेस यूथ के लिए अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई है कर्नाटका के अंदर, आपको बताना है कि उस योजना का नाम क्या है, जिसमें क्या होगा? जो ग्रेजुएट है यानी कि जिनके पास में डिप्लोमा है या जिनके पास में डिग्री है, तो वहां पे उनको क्या होगा? वहां पे उनको कुछ पैसे जो है वो दिए जाएंगे, बताइए। युवा निधि योजना, क्या है? युवा निधि योजना। अगला, टाइगर रिजर्व जिसको पहला डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया गया, तो ये कौन सा होगा? पेंच। मैंने आपको पढ़ाया था महाराष्ट्र और एमपी दोनों में आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। कौन सी नदी होगी? तो पेंच नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला, टिम साउदी, तो ये क्या होगा? 120 इंटर, अच्छा T20 तो छोड़ो, उसका देखा यशस्वी जायसवाल डबल सेंचुरी मारी, तो सोचो कितनी मेहनत उसने की होगी। वो अपनी फैमिली की अगर हम बात करें तो वो अपनी फैमिली के साथ में बताशे बेचा करता था, हाँ बताओ, और आज वो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है और उसने डबल सेंचुरी मारी है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ये, है ना। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा देखो, इनको सीखो। चलिए, ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सविता जी को अभी हाल ही में तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड दिया गया और अर्जुन अवार्ड भी बांटे गए हैं, कितने लोगों को? 26 लोगों को। इसके ऊपर मैंने अलग से सेशन किया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। आगे, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आशीष। अगला देखिएगा, जीआई टैग किसको? कच्ची खरे, ये क्या था? खजूर, बताएं। खजूर, ममता बनर्जी। Alright, इसका आंसर क्या होगा? गुजरात के अंदर अभी खजूर को जीआई टैग दिया गया है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया। ऑपरेशन सर्वशक्ति ये कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये भारत में जम्मू एंड कश्मीर पे लॉन्च किया गया। हमारी इंडियन घेवर को भी जीआई टैग दिलवा दे, अरे राजस्थान वालों। चलो बताओ, हिमालयन वोल्फ को अभी हाल ही में IUCN की सूची के अंदर रखा गया है। ये आप देखेंगे तो ये आपको हिली एरियाज में मिलते हैं, लद्दाख में भी मिलेंगे, अरुणाचल में भी मिलेंगे। आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी में इनको रखा गया है। इसका आंसर होगा वल्नरेबल कैटेगरी में इनको रखा गया है। अगले पे आइए, बताइए पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है? पोंगल जो है वो 4 दिनों का फेस्टिवल होता है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको जलीकट्टू फेस्टिवल भी देखने को मिलता है, बताइए। गुड मॉर्निंग हो रहा है, बहुत गलत बात है, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड श्रीलंका, तीनों जगह पर होगा। अगला, मुनावर राणा बताएं, अवार्ड इनको कौन सा मिला था लिटरेचर के फील्ड में? अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है ना, अवार्ड तो कौन सा होगा? साहित्य अकेडमी अवार्ड। अगला, थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इंडिया बनाए, किसको पीछे छोड़ते हुए? ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही है तो किसको पीछे छोड़ा है? जापान को पीछे छोड़ा है।
54th एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कहां पे कंडक्ट की गई? तो इसका आयोजन हुआ डेवोस के अंदर। हर साल इसकी बैठक होती है, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लोगनी स्विट्जरलैंड के अंदर, बट यहाँ पे बैठक हमेशा डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती है। नेक्स्ट पे आइएगा, अगला बताइएगा नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे, तो नेशनल स्टार्टअप डे जो है ये कब होता है? 16th of January को मनाया जाता है। अगला, इंडिया और थाईलैंड की जो नेवी है इन दोनों लोगों ने मिलकर अयोध्या को डेडिकेट करते हुए एक्सरसाइज का नाम रखा है, उसका नाम क्या है? जल्दी जल्दी सॉल्व करो, उसका नाम क्या है? अभी देख रहे हो, अभी तो कुछ बच्चों का गुड मॉर्निंग हो रहा है, क्या करेंगे ये। चले, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। क्या है? अयोध्या। ठीक, नेक्स्ट पे आइए। 25 meter स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल किसने जीता है? गोल्ड मेडल किसने जीता है? इसका आंसर क्या होगा? योगेश सिंह। करेक्ट, योगेश सिंह ने जीता है। अगला, फर्स्ट एवर बीच गेम्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना दीव के अंदर, आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि नंबर वन पे कौन रहा, नंबर वन पे कौन रहा, तो नंबर वन पे कौन हो जाएगा? एमपी नंबर वन पे रहा। अगला, साउथ अमेरिका के साथ में अभी हाल ही में जो काबिल नाम की एक कंपनी है उसने टाइप किया, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है साउथ अमेरिका का कौन सा देश है जिसके साथ में उन्होंने टाइप किया है लिथियम के एक्सट्रैक्शन के लिए? हाँ बिल्कुल रहे हैं हम दिल्ली, बिल्कुल रहे हैं, बताइए। इसका आंसर बनेगा अर्जेंटीना। चलिए, यूएस एयरफोर्स की पायलट जो कि एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर थी, जिनको अपॉइंट किया गया है या फिर जिनको खिताब दिया गया है, जिनको क्राउन पहनाया गया है मिस अमेरिका 2024, जिनका नाम क्या है? मेडिसिन मार्श। ये नाम पूछ सकते हैं, ठीक है? उसको देखो, ए होए, बस नहीं वरना फोटो में से ही निकाल के मिल ले, और कैसी हो। चलो, निपा वायरस के लिए भी हाल ही में एक वैक्सीन है जिसको डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा ZOX1 निपा 2 या निपा बी। अगला, आपको बताना है मिलिट्री रैंकिंग के अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है जो नंबर वन पे आपको देखने को मिली, बताएं। इसका आंसर क्या होगा? यूएस जो है वो आपको नंबर वन पे मिलेगा। अगला देखिएगा, इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपने यहाँ पे एक काउ सेंचुरी को बनाएगा, तो ये कौन हो जाएगा? ये बनेगा यूपी। ठीक, नेक्स्ट पे आओ। इसी के साथ में कनुमा फेस्टिवल कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर ये फेस्टिवल मनाया गया है। अगला, नमो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ये अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? ताकि जो न्यू वोटर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सके और अभी जो चुनाव आएंगे, जो इलेक्शंस आएंगे, उसमें वो अपनी वोटिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, अगले पे आइएगा। बेस्ट ड्रामा एमी अवार्ड्स, बेस्ट ड्रामा एमी अवार्ड्स बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सक्सेशन को ये अवार्ड दिया गया। अगला, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 दिसंबर किसको दिया गया? कितने क्वेश्चन हो रहे? अरे दादा बेटा, पूरे महीने भर का है तो ऑब्वियसली बात है, एक घंटा तो लेगा ही लेगा ना सेशन। पेट कमिंग्स को दिया गया, और फीमेल की कैटेगरी में किसको मिला है यहाँ पे? आप देख पा रहे होंगे फोटो, दीप्ति शर्मा को दिया गया। चलिए, मेसी फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? मेसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला बताइएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से अभी कल के क्लास में आप आओगे तो एक और न्यूज पढ़ने को मिलेगी, बताइए। अभी इसमें क्या हो रहा है? 3 नई भाषाओं को जोड़ा जाएगा, पाली, उसके बाद प्राकृत, और उसके बाद कौन सी? पर्शियन भाषा। ठीक है, नेक्स्ट, चाइनीज स्टार्टअप वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर बैटरी। आज यहाँ पे बारिश हुई है, आज कानपुर में सुबह सुबह बारिश हुई, आज फिर से ठंडा मौसम हो गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीटा वोल्ट। क्या है? बीटा वोल्ट। अगला, असम के अंदर सौरभ अवार्ड, एक तो होता है यहाँ पे असम वैभव अवार्ड, एक होता है सौरभ अवार्ड, एक होता है गौरव अवार्ड, आपको बताना है कि ये अवार्ड किसको दिया गया? हीमा दास, चाइट यू, हीमा दास। करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा? हीमा दास ये एथलीट है, कहाँ से है? ये असम से ही बिलोंग करती है। अगला, महतारी वंदना योजना कहाँ पे लॉन्च की गई? तुम्हारे यहाँ पर्व के दे तो आए, यहाँ की बात ही कुछ और है यार। ले, छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। अगला,
मलेरिया फ्री अभी हाल ही में किसको डिक्लेयर किया गया, और ये अफ्रीका का कंट्री है, अफ्रीका का आइलैंड कंट्री है, जिसका नाम क्या है, कैबो वर्डी। क्या नाम है? कैबो वर्डी। अगला, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल न्याशी ट्राइब कहाँ पर? हमारे यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, ओके, चार चार दिन से भी बारिश हो रही है, अरे अरे अरे। इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। कोई भी बच्चा इसके नोट्स नहीं बनाएगा क्लास के बाद में, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी ए फोर शीट पे, तो अगर किसी को प्रिंट निकलवाना हो तो आप वहां से प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताएं, बोइंग टेक ने अभी हाल ही में बोला है कि वो अपना एक सेंटर ओपन करेंगे किस जगह पर, तो ये बेंगलुरु के अंदर ओपन किया जाएगा। अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, अगला देखिएगा, 125 फीट स्टैचू ऑफ अम्बेडकर जी, ऑफ अम्बेडकर जी, नेम द प्लेस, क्या हो जाएगा? विजयवाड़ा। क्या बनेगा? विजयवाड़ा। अगला देखिएगा, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके चीफ किसको अपॉइंट किया गया है, इसके चीफ किसको अपॉइंट किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? दलजीत सिंह चौधरी जी को भी हाल ही में नियुक्त किया गया। अगला, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई दिल्ली के अंदर, इसका आयोजन हुआ था, जगदीप धनखड़ जी ने इसको इनोग्रेट किया था, कौन सा एडिशन था, कौन सा एडिशन था, तो ये कौन सा एडिशन हो जाएगा? 12th एडिशन आपको मिलेगा। अगला, कोक बोरोक डे बताएं, इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा के अंदर, और त्रिपुरा का हैप्पी वाला बर्थडे कब होता है? 21st of January को त्रिपुरा का हैप्पी वाला बर्थडे होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6th वाला कहाँ पर? चेन्नई के अंदर, और इसमें नंबर वन पे कौन रहा? अरे अरे एक सेकेंड, इसके अंदर नंबर वन पे आपको कौन देखने को मिल रहा है? महाराष्ट्र नंबर वन पे रहा, दूसरे नंबर पे कौन रहा? तमिलनाडु, ठीक है ना, कहाँ हुआ था? चेन्नई के अंदर। अगला देखिएगा, गोल मेला कहाँ? उधमपुर के अंदर, जगन्नाथ टेम्पल जो वहां पर है, वहां पे इसका आयोजन किया गया, ठीक है, ओके आयुष। नेक्स्ट देखिएगा, टाटा ग्रुप जो है वो आईपीएल को अगले 5 साल के लिए स्पॉन्सर करेगा। नेक्स्ट पे आइए, AX3 मिशन, AX3 मिशन, ये मिशन किसका है? SpaceX का ये मिशन है। अगला, 10 दिनों के लिए अभी हाल ही में दूसरा राज्य कौन सा बना है बिहार के बाद, जहाँ पे कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया गया, तो ये बना है आंध्र प्रदेश। अगला, सबसे पहली बार, फर्स्ट एवर विविपैरस स्किंग जीनस कहाँ पर पाया गया है, तो ये 3 राज्यों में पाया गया है, वेस्टर्न घाट के एरिया पे। किसने इसकी खोज की है? ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के द्वारा इसकी खोज की गई है। अगला, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे अभी एक अवार्ड दिया गया था, है ना, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन जयंती जो है वो 23rd of January को होती है, नाम बता दीजिए, नाम क्या होगा? यहाँ पे पराक्रम दिवस हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आइएगा, खट्टर साहब ने साइंस सिटी बनाने को कहा है, ठीक, आपसे कहा जा रहा है, नेम द प्लेस, इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा के अंदर बनाई जाएगी, और अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया गया था जब साइंस फेस्टिवल चल रहा था। अगला, ब्रॉन्ज मेडल फ्रांस ग्रैंड प्रिक्स रेसलिंग के अंदर किसने जीता है, तो ये किसके नाम पे आएगा? रवि कुमार दहिया जी के नाम पर आएगा। अभी हाल ही में इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है? सम्राट, प्रमोद, अजय, हरे भैया, राहुल, विक्की, अरविंद, तनु, भुवनेश, यति, जसप्रीत, सुदीप, वेरी गुड। आज तो विशाल भैया बिल्कुल लगे पड़े आंसर करने में, आज ये मुझे लग रहा है पूरा रिविजन मार के आया है ना? अगला देखिएगा, चीता ज्वाला, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या होगा? कुनू नेशनल पार्क के अंदर अभी 3 छोटे छोटे कब्स को इन्होंने जन्म दिया है। यूपी का हैप्पी बर्थडे कब आएगा? 24th of January को आएगा। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मल्टीलिंगुअल एक एजुकेशन ऐप लॉन्च किया है, जिसके ऊपर जो कंटेंट है वो आपको हर भाषा पे मिलेगा जो आपके 8th शेड्यूल में दी गई है, इसका आंसर क्या है? अनुवादनी इसका आंसर है। ये सोच रहा होगा कि अभी तक मेरे को फोन नहीं किया है और मैं कानपुर पहुंच चुका हूँ, क्यों करें हैं भाई लोग, तो वैसे भी मतलब बस मौका मिलना चाहिए सुनाने का। चलिए, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड किसको मिला है? नोवाक जी को अभी हाल ही में दिया गया, सभी से बिलोंग करते हैं और ये अवार्ड इनके नाम पे गया है, टेनिस खिलाड़ी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला, ईरान की सैटेलाइट कौन सी अभी लॉन्च की गई है,
ईरान की सैटेलाइट क्या नाम है इसका, सोराया, और 750 किलोमीटर ऊंचाई पर अर्थ की ऊंचाई से इसको यहाँ पे आप इतने पे डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी, देखिए भाई इनके नाम पे जा रहा है भारत रत्न अवार्ड, और एक और नाम आया है लाल कृष्ण आडवाणी जी का, उनको भी दिया जाएगा भारत रत्न अवार्ड, क्योंकि इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है राम मंदिर की जो स्थापना हुई है तो उसमें भी काफी बड़ा उनका योगदान रहा है, तो उस वजह से उनको भी अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन ये हम पढ़ेंगे कल। बिहार इसका आंसर बनेगा, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार से बिलोंग करते थे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है बताएं, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 24th of January। बिल्कुल सही जवाब 24th of January। अगले पाई 860 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, मैं दरवाजा नॉक होता हुआ, हाँ जी बताएं, अभी दिया गया ना ये अवार्ड, हेलो बताएं इसका आंसर क्या बनेगा, यूपी इज द करेक्ट आंसर, अभी हाल ही में ये आपदा प्रबंधक अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगले पे आएगा रियाद के अंदर जॉय अवार्ड किसको मिला है, रियाद के अंदर जॉय अवार्ड, ओके इसका आंसर क्या बनेगा, आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला है। चलो नेक्स्ट पे आओ, अगला ध्रुव ज्योति स्कीम, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कर्नाटका में ऑलरेडी चल रही है, अभी कहाँ पे लॉन्च की गई है, अभी करीना कपूर खान, नहीं बेटा करीना कपूर खान को नहीं मिला है, ठीक है चलिए इसका आंसर होगा तेलंगाना। अगला G77 थर्ड साउथ समिट, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका आंसर क्या होगा, कंपाला युगांडा के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला यूपी के अंदर एक मॉस्क्यू बनाया जाएगा, आपको बताना है कि वो कहाँ पे बनेगा, और ये प्रॉफिट मोहम्मद जी के नाम पर डेवलप किया जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, अयोध्या के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब राम मंदिर का वो आया था डिसीजन आया था तब 5 acre का जो लैंड था वो मॉस्क्यू के लिए दिया गया था, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे वही सवाल में पूछा गया है। अगला विनर ऑफ द सिंगल कैटेगरी ऑफ इंडियन ओपन 2024 बताएं, भारती पूजा प्रीत आकांक्षा भिवानी, ओके इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताई जू जिंग, क्या हो जाएगा, ताई जू जिंग। अगला देखिएगा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से हांगकांग का जो स्टॉक या ग्लोबल मार्केट है ये अभी पीछे हो चुका है इंडिया से, आपको बताना है कि इंडिया कौन से नंबर पे है, तो 4th नंबर पे आपको इंडिया मिलेगा। डेजर्ट नाइट बताएं, डेजर्ट नाइट यहाँ पे इस बार 3 देश शामिल हुए थे इंडिया के साथ में, फ्रांस और UAE ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। इंडियन विलेज सागा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर ऑस्कर किसको नॉमिनेट किया गया, तो नॉमिनेशन में क्या जाएगा, टू किल अ टाइगर इसको नॉमिनेट किया गया, पिछली बार किसको मिला था, एलिफेंट विस्पर्स उसको अवार्ड मिला था, यहाँ पे क्या है नॉमिनेशन किया गया। अगला ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ बनाएंगे, इसका आंसर क्या बनेगा, ओडिशा के अंदर शिमलीपाल में इसको डेवलप किया जाएगा। अगला नाटो ने अभी हाल ही में इनमें से कौन से देश को अपना मेंबर बनने के लिए अप्रूवल दे दिया है, और इसमें टर्की की सहमति भी हो चुकी है, तो 31st नंबर पे किसको जोड़ा गया था, फिनलैंड को जोड़ा गया था, अब 32nd नंबर पे कौन आ जाएगा, स्वीडन को जोड़ा जाएगा। अगला कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इससे किसको नवाजा गया है, इससे 2 लोगों को नवाजा गया है, ठीक है बताएं, अच्छा आप पूरी से ही बिलोंग करते हैं, बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा रवि शास्त्री जी एंड फारूक इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो कैमरून के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा राम मंदिर जो है इसको कहाँ पर बनाया गया है, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ में इसको डेवलप किया गया, ठीक है नेक्स्ट पे आइएगा। बताइए विजय राघवन पैनल अभी हाल ही में बनाया गया है, इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के अंदर कुछ बताया भी है,
आपको बताना है कि ये बताएं कि किसके लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, डीआरडीओ के लिए। बोला था कि तुम सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, प्रोडक्शन का काम कोई और कर लेगा, तुम्हारी दूसरी कोई यूनिट कर लेगी। आगे चला गया, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हाल ही में जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या है वो फुल हो चुकी है बेटा। अब तुम्हारा अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, जो तुम सोच रहे थे आने वाले टाइम में तुम्हारा अपॉइंटमेंट होगा। अगला, 80 मिलिट्री पर्सनल को अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है, गैलेंट्री अवार्ड दिए गए थे। और ये अवार्ड किसने दिए हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अगला, विराट कोहली को आईसीसी मेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, चौथी बार इनको इस खिताब से नवाजा गया है। अगला, आईसीसी मेन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब सूर्य कुमार यादव को दिया गया। नेक्स्ट आएगा सदा तांसिक, ये एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई है, आपको बताना है किसके किसके बीच में। कितने खुश हो जाते हैं सूर्य कुमार का नाम आते ही। बट द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था तभी कहाँ सो रहा था। चले, इसका आंसर होगा इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। अगले पे आइएगा, कहा जा रहा है कि वीकेस्ट हाफ डिकेड परफॉर्मेंस, मतलब आने वाले टाइम में अपनी जो जीडीपी होगी और जो पूरे वर्ल्ड की होगी वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। ये डेटा भी बताया गया है, 30 साल का सबसे बुरा टाइम रहेगा। जीआई टैग ये आपको बताया दिया था। चलो, ब्रह्मोस, इंडिया किसको ये टेक्नोलॉजी देगा? तो इंडिया ये टेक्नोलॉजी किसको देगा? फिलीपींस को सौंपने वाला है ब्रह्मोस, जो कि एक क्रूज मिसाइल है। अगला, कमांडो कॉम्पिटिशन कमेंस, बताएं T20 में खेला था? नहीं, T20 में तो खेला था लेकिन वहां क्यों नहीं खेला था है? इसका आंसर हो जाएगा विजैक के अंदर। अगला, एयरबस जो है अभी हाल ही में इसने किसके साथ में टाई अप किया है, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर का फाइनल असेंबली जो है उसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा। तो ये टाई अप हुआ है किसके साथ में? टाटा ग्रुप के साथ में। 26 जनवरी को ये अनाउंसमेंट किया गया था। अगला, ओला के द्वारा AI स्टार्टअप किया गया, आपको बताना है कि इसको भी हाल ही में यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कृत्रिम। क्या नाम है इसका? कृत्रिम इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइएगा, फाइनेंस मिनिस्टर, छठी बार बजट, बजट के ऊपर अगर आपने सेशन नहीं देखा है अलग से पढ़ाया है देख लीजिएगा, और उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? निर्मला सीतारमन जी। 6 बार इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है और सबसे शॉर्टेस्ट इस बार की इनकी स्पीच रही थी, 58 मिनट्स की। अगला, नीतीश कुमार जी नवी बार, क्या नवी बार भैया सीएम की शपथ ली है इन्होंने? ये देखिए, गोल्डन टाइगर अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर यह भी देखा गया था। अगला बताइएगा, ब्लेवटनिक अवार्ड 2024 बताएं कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? यूके के द्वारा दिया गया। कौन से फील्ड में अवार्ड दिया जाता है? तो साइंस के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला बताइए, 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग सबसे ज्यादा कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स कहाँ पे बनाया गया? पंजाब के अंदर इसको बनाया गया है। अगला, इकोवास के अंदर अभी हाल ही में कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको क्विट कर दिया, जिन्होंने इसको छोड़ दिया है? तो ये है नाइजर, माली और बुर्किना फासो। इन तीनों देशों ने इसको क्विट कर दिया है। क्विट कर क्या दिया है? निकाल ही दिया गया है, क्योंकि इनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे हुए थे, इनके यहाँ पे कूप होता रहता था। चलिए, फिल्म फेयर अवार्ड्स कहाँ पर हुए, जिसमें बेस्ट फिल्म गई है 12th फेयर। एक्टर आए हैं यहाँ पे रणबीर कपूर, और एक्ट्रेस आई हैं इनकी वाइफ आलिया भट्ट, ठीक है। इसका आंसर होगा गिफ्ट सिटी गुजरात। नेक्स्ट पे आइएगा, एक्शन रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है, जो कि हायर एजुकेशन के लिए होती है। इसमें एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, कितना? 19 लाख का एनरोलमेंट देखने को मिला है। इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन सूबेदार किसको अपॉइंट किया गया? तो प्रीति राजक को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। शहीद दिवस एक तो होता है 23rd of March को, और एक होता है कब? 30 जनवरी को। ये होता है भगत सिंह जी के लिए, और यहाँ पे आप देखोगे ये होता है महात्मा गांधी जी के लिए, ठीक है। अगला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बनता है ये याद रखना, और इसका जो पॉलिटी का सेक्शन है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन हो जाएंगे? लुइस वॉयटन, यानी कि ये जो LV नाम की एक ब्रांड है ना, इसके जो फाउंडर है बेनार्ड आर्नोल्ड, इनको चुना गया है सबसे ज्यादा क्या पैसे वाले। अगला देखिएगा, अभी हाल ही में शांतनु ठाकुर जी ने CA की बात की है, तो CA का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ जी, क्या होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला रोइसोमा विलेज, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पे अभी हाल ही में ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ है? ये आपको नागालैंड के अंदर देखने को मिलेगा। 100 बेड का योगा एंड न्यूटो पैथोलॉजी कहाँ? मणिपुर में नहीं है, मणिपुर वालों रिविजन मत करो तुम, मणिपुर में है। इसका आंसर क्या बनेगा? डिब्रूगढ़ असम के अंदर इसको ओपन किया गया है। अगला ट्राई के अभी हाल ही में नए चीफ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौती जी को अपॉइंट किया गया। अगला चितारी ऐश्वरी लाफिंग गुल, बिल्कुल तुम्हारी तरह, केरला के अंदर अभी हाल ही में आई है। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी सी बर्ड आपको नजर आ रही है। अगला बताएगा यूनेस्को के अंदर मराठा फोर्ट को शामिल किया जाएगा। अभी मतलब अपनी इंडिया ने यहाँ पे नाम दिए हैं, अब देखना ये है कि ये शामिल होते हैं कि नहीं। टोटल आपको कितने किले देखने को मिलेंगे? टोटल आपको 12 किले देखने को मिलते हैं। अगला चाइना के वांगजू जू, अभी हाल ही में इनको हराया है। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए किसने हराया है, तो ये हराया है किसने? प्रज्ञानंद ने। ठीक है चलो, रिपब्लिक डे पे फर्स्ट प्राइज किसको दिया गया? 90 क्वेश्चन, अच्छा 90 क्वेश्चन, मुझे लगता है 110 सवाल थे जहां तक मुझे पता है। ओडिशा, ठीक है, ओडिशा को यहाँ पे अवार्ड दिया गया। लेकिन अगर पूछा जाता है पीपल्स चॉइस, तो यहाँ पे किसका होगा? गुजरात को पीपल्स चॉइस का अवार्ड मिला। ठीक, तो ये था अपना आज का सेशन। बाकी आपका पेड बैच नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी यहाँ पे A4 शीट पे। ऑलराइट, आप यहाँ से अपनी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, A4 शीट पे होगी, सो प्लीज डू दैट। ऑलराइट, अच्छा 4 गलत हुए, कोई बात नहीं, अब आपके लिए बस एक शॉर्ट वीडियो और आएगा, और अगर कुछ ऐसा बर्निंग आज के दिन पे रहेगा तो वो शाम को 8 बजे आपके लिए आएगा। ठीक, चलो मिलते हैं फिर आप लोगों से हम अगले सेशन में कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।